राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हैं कार्तिक कस्टम। सो भाई, आज जो रिव्यू करने वाले हैं वो है हमने अपनी जीटी पे लगा दी। इसके पहले आपने देखा होगा एक एलईडी इंडिकेटर मैंने लगाया था सर्कल में, जो कि बार एंड मिरर का बार एंड लाइट होती है वो लगाया था, बट उसका उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने एक नया इंडिकेटर सेट मंगवाया कैशियन कस्टम से। तो ये आप इंस्टाग्राम पेज है इनका, तो ये है कैशियन कस्टम्स, तो इनसे मैंने इंस्टाग्राम से मंगा है KTM के इंडिकेटर्स दो सेट, जो कि ये मतलब हाई क्लोन जो रहते हैं, कॉपी मेर जो रहते हैं, तो वो लगभग आपको पड़ेगा 600 से 800 के बीच में। आपको अगर परचेज करना है तो आप उनको DM करके प्राइस पूछ सकते हैं। तो मैंने पूरे ये दोनों सेट मंगाया है, मतलब चारों इंडिकेटर मंगाया है और अपनी GT में इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर बात करें तो इनकी विजिबिलिटी, इस वीडियो में हम इसकी विजिबिलिटी चेक करेंगे और कैसे क्या इंस्टॉलेशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। और अभी मैं जैकेट इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि भाई अब ठंड का सीज़न आ गया है, शाम को ठंड होने लगी है, तो कैफे रेसर्स में लेदर जैकेट तो भाई मतलब अलग ही धूम मचा देता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और एड गाइस, तो इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक मॉडिफिकेशन किया था। ये जो प्लेट दिख रही है, एक प्लेट यहाँ मैंने सेट किया था जो कि ग्रैब रेल्स को पकड़ती है, तो वहाँ से मैंने ऐसा एल शेप का बनाया था जिसमें हम इंडिकेटर आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ से इंडिकेटर यहाँ से डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इंडिकेटर्स ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, प्योर KTM के ही हैं। अगर आपको चेक करना है कि KTM ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, तो इसके अंदर जो SMD डली हुई है, जो LED लाइट है, वो क्लोन में कॉपी में पीली रहेंगी और ओरिजिनल में हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये कुछ है, तो फिर भी अब इसकी विजिबिलिटी ही चेक करेंगे पूरी। तो ऐसा कुछ इंस्टॉल कर दिया है हमने, पीछे ऐसे हुआ है और आगे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। आगे में क्या है कि थोड़ा इसका जो बोल्ट रहता है, जो जिसमें नट लगाना रहता है हमें, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेटर को काटना पड़ा है। तो उसको लगभग 1 सेंटीमीटर मैंने कट किया है, फिर उसको अंदर वापस किया है, तो ये आगे दोनों साइड मैंने 1-1 सेंटीमीटर कट किया है। तो ये कुछ ऐसा देखने को लग रहा है आपको, तो अब इसको चालू करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और मैंने एक और चीज़ कर दी है इसके साथ, जो कि मैंने एक हज़ार्ड सिस्टम लगा दिया है, बिना कोई वायर कट किए, बिना कोई सिमटैक, कोई भी हज़ार्ड सिस्टम लगाए, बस दो वायर है जो जाके लाइटिंग में कनेक्ट हुई है। तो सो डायरेक्ट यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है हज़ार्ड सिस्टम का, और एक साइड यहाँ पे हमारा DRLs के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम राइट साइड का इंडिकेटर जलाते हैं। तो ये देख रहे हो दिन में भी क्या विजिबिलिटी है, मस्त, पूरी येलो, पूरे येलो LED जल रहे हैं, 3 LEDs लगे हुए हैं अंदर। तो ये है ऐसा कुछ फ्रंट का लुक। अब पीछे का लुक देखते हैं, सो पीछे का लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये डे टाइम का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या भाई लाइटिंग कैसी आ रही है। मुझे तो भाई विजिबिलिटी मस्त लग रही है पुराने वाले से, देख रहे हो काफ़ी दूर, काफ़ी उजाला है, ब्राइटनेस देख सकते हो, फिर भी आपको इंडिकेटर दिख रहे हैं। ऐसे ही हम देखते हैं लेफ्ट साइड का, तो भाई ये लेफ्ट साइड का भी चालू हो गया है, लेफ्ट साइड का भी इंडिकेटर, और मतलब लुक देख रहा हूँ, जो यहाँ पीछे लगा रहता था उसमें उतना मज़ा नहीं आता था, अब ये ऐसे में प्रॉपर कैफे रेसर लग रहा है। आगे से भी देख लेते हैं, फिर बात करते हैं सीधे हैज़र्ड सिस्टम की। तो ये देख रहा हो भाई, यहाँ से भी ऐसा है लेफ्ट साइड का। अब चालू करते हैं हम हैज़र्ड सिस्टम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस इसको ऑन कर देना है, और ये हैज़र्ड सिस्टम चालू हो गया, लग रहा है ना डोप। अरे साइकिल वाले बच्चे, तो ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है, हैज़र्ड सिस्टम लग रहा है ना डोप सेंटर से। तो भाई इससे क्या है, विजिबिलिटी आपके हाईवेज पे जब आप क्रूजिंग कर रहे हो, या सिटी राइड्स नाइट पे, स्ट्रेट रोड पे, तो पूरा हज़ार्ड सिस्टम तो आजकल देख ही रहो सारी गाड़ी में, एज डिफ़ॉल्ट भी दे रही है कंपनी। तो भाई ये तो मुझे काफ़ी मस्त लगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 60 रुपये का स्विच था BS4 का, तो वो हमने लगा दिया, और KTM के इंडिकेटर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं इंडिकेटर्स कैसे लग रहे हैं, डोप लग रहे हैं कि नहीं। तो अगर पैकेजिंग की बात करें तो ऐसा कुछ आया था, ये सब सामान ऐसे दो पेयर आए थे, और कैशियन कस्टम की हमको कीरिंग भी आई है, और खूब सारे स्टिकर्स। तो स्टिकर्स तो भाई मुझे स्टिकर्स से बहुत प्यारे स्टिकर्स हमारे हर जगह लगे हुए हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमको मिली है कैशियन कस्टम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। और बाकी ये कुछ थी ऐसी विजिबिलिटी अभी डे लाइट की, तो आप देख सकते हो भाई विजिबिलिटी। अब सीधे लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हो भाई हैज़र्ड सिस्टम चालू हो गया है, जो कि स्टॉक बिना कुछ फ्लैशर लगाए, सिर्फ एक वायरिंग सेट करके। तो देख सकते हो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हैज़र्ड लाइट बिना कुछ किए,
और जो इंडिकेटर्स लग रहे हैं ना बहुत ही मस्त लग रहे हैं, प्रीमियम लग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए भाई कैसी लग रही है विजिबिलिटी, सारी चीज़ें एकदम डोप। पास से दिखा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा फ्लैश कर रहा है, पीछे का भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो फिर यही थी विजिबिलिटी चेक, लाइट्स भी प्रॉपर ऑन करते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइट ऑन, तो देख रहे हो भाई हमारी इस लाइट का थ्रो भी कितना तेज़ है, लगभग 90 वॉट्स, बहुत तेज़ रोशनी है भाई। बीम से थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो ये कुछ ऐसा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, होप आपने एंजॉय किया हो, होप आपको समझ में आया हो सारा तामझाम। तो इंडिकेटर्स लगे हैं, हैज़र्ड सिस्टम भी लगा दिया हमने मात्र 60 रुपए में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और एलईडी सेटअप कैसा लग रहा है पूरा, एलईडी हेडलाइट और एलईडी इंडिकेटर्स, तो वो भी नीचे कॉमेंट करके बताना। और एक और मॉडिफिकेशन चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है, जो आप लोग बोल रहे थे कि अब वो लगाओ, तो वो ज़रूर लगा दे रहे हैं। और हिंट मैं दे रहा हूँ, ब्रेक, तो वो चीज़ आने वाली है काफ़ी अच्छी, फिर भाई कैफे रेसर अच्छी हो जाएगी तगड़ी। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।